Okay, dear students, how are you all? I hope you all are good. And this video is for which class? Okay, that is class 10th, and you have subject mathematics, and topic means chapter. I am dealing your chapter what? Polynomials. That is the second chapter, and this video is part 4. Okay, अगर आपने नहीं देखा है previous parts, तो please go through those parts so that you will get clear understanding. अगर आप वो सब नहीं देखा है तो फिर आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला है इधर. So division, आज का topic हम देखेंगे division algorithm. Okay, division algorithm for what? For the polynomials. ठीक है, so division algorithm for the पॉलिनोमियल्स हम देखेंगे. लेकिन ये वही डिवीजन एल्गोरिदम है जो हमने क्लास ओके नाइन्थ में देखा था. ठीक है, क्लास नाइन्थ में आप जो देखे थे वहाँ पे आपने सिर्फ किस लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइजर से आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डिवाइड किया करते थे वो आपने देखा. लेकिन हम यहाँ पे वी विल यूज़ द सेम डिवीजन एल्गोरिदम विच वी हैव ऑलरेडी. ओके, सो हम उसको यूज़ करेंगे. जैसा कि मैं डिवीजन एल्गोरिदम ही आपको बता देता हूँ. अगर स्टेटमेंट कुछ ऐसा है, इफ़ ठीक है, पी ऑफ एक्स, अगर कोई पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स है एंड वट जी ऑफ एक्स आर ओके आर एनी टू ओके पॉलिनोमियल्स ठीक है विथ जी ऑफ एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो देन ओके हम क्या करेंगे वी कैन फाइंड व्हाट पॉलिनोमियल्स क्यू ऑफ एक्स एंड what r of x such that क्या p of x जो कि डिविडेंड होगा ओके g of x जो कि डिवाइजर होगा q of x जो कि कोशेंट होगा और r of x जो कि हमारे पास रिमाइंडर होगा. सो ये तो चीज़ आपने मतलब फर्स्ट क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर. तो क्या ये पॉलिनोमियल का अगर हम डिवीजन करेंगे तो क्या उसमें ये सेटिस्फाई नहीं होगा? बिल्कुल होगा. सो दैट इज़ वाई व्हाट वी से अगर हमारे पास कोई एक पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स है हम उसमें जी ऑफ एक्स से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास कुछ तो कोशेंट तो आना चाहिए और कुछ तो रिमाइंडर हमारे पास आएगा. सो दैट इज़ वाई इफ़ पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स आर एनी टू पॉलिनोमियल्स विद जी ऑफ एक्स इज़ नॉट इक्वल टू जीरो देन वी कैन फाइंड सम पॉलिनोमियल्स लाइक जी क्यू ऑफ एक्स एंड आर ऑफ एक्स सच दैट दिस पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स दैट इज डिवाइजर इंटू क्यू ऑफ एक्स दैट इज द कोशेंट प्लस रिमाइंडर आर ऑफ एक्स. सो दिस इज आवर थियरम. नाउ लेट अस ओके मूव टू फर्स्ट जो जैसा कि हमने आपको पहले डिवीजन एल्गोरिदम में बताया था कि हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे कि अगर आपको पास ओके इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे आएंगे. कोई एक पॉलिनोमियल आपको दिया जाएगा, ठीक है, कोई एक पॉलिनोमियल दिया जाएगा और आपको उसका एक ज़ीरो दे दिया जाएगा, ठीक है, और इसके आपके अदर दो और ये कौन सा पॉलिनोमियल होगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा और आपको केवल एक ज़ीरो आपको दे के आपसे अदर टू ज़ीरोस आपको फाइंड आउट करने के लिए पूछेगा. ओके, सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस वी विल सी बट हाउ वी हैव टू ओके डू दोज काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. सो अगर सपोज आपके पास कोई एक पॉलिनोमियल है एक्स क्यूब माइनस क्या ओके थ्री एक्स स्क्वायर और इसमें आप प्लस ओके यहाँ पे आप माइनस एक्स कर दीजिए पहले थ्री एक्स स्क्वायर हो गया और थ्री एक्स स्क्वायर के बाद माइनस एक्स प्लस थ्री. सपोज यू हैव दिस पॉलिनोमियल एंड इफ ओके सपोज समवन इज टेलिंग यू दैट वन ऑफ इट्स जीरो इज वन ऑफ ओके इट्स ओके जीरो इक्वल टू वन. अगर कोई कहता है कि वन ऑफ इट्स जीरो इज़ वन देन कैसे फाइंड आउट करोगे? तो अदर टू जीरोस आपको फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन यही है.
तो किसी भी पॉलिनोमियल के लिए, ओके पॉलिनोमियल मीन्स उसमें कोई एक वेरिएबल होगा, ओके उस वेरिएबल के प्लेस में आप तो कुछ सब्स्टिट्यूट करते हो, ओके कोई नंबर सब्स्टिट्यूट करते हो, तो जो आपके पास पॉलिनोमियल होता है उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो, इजंट इट, जीरो हो जाती है ना। तो वैसे ही ओके वो वैल्यू, और वो वैल्यू ही क्या हो जाता है आपका, वो वैल्यू ही आपका जीरो हो जाता है, ओके वो ही जीरो वो वैल्यू होता है जब वो नंबर को आप पी ऑफ एक्स में सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये बिकम्स जीरो हो जाएगा, इजंट इट। तो वो नंबर क्या कहलाता है, जीरो ऑफ योर, एंड इन दिस क्वेश्चन अगर अगर यहाँ पे बोला है कि वन ऑफ इट्स जीरो इज गिवन वन, तो हमारे पास x माइनस वन रहेगा तो ही तो ये पॉलिनोमियल होगा, ओके तभी तो हमारे पास x इक्वल टू वन होगा, इजंट इट। हमारे पास बोल रहा है कि इफ़ दिस इज द वन ऑफ द जीरो, वन ऑफ द जीरो मीन्स सपोज लेट अस टेक दैट x माइनस वन इक्वल टू जीरो इक्वेट करेंगे देन ओनली यू विल गेट x इक्वल टू वन, दैट इज़ वाई। सो व्हाट आई एम टेलिंग यू, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, वी हैव बीन गिवन इनडायरेक्टली ओके दैट द डिवाइजर, व्हाट इज दैट द डिवाइजर और फैक्टर वी कैन से, ओके एक्स माइनस वन इक्वल टू व्हाट, ये जीरो जब आप करोगे मीन्स दिस इज अ फैक्टर, दिस इज अ फैक्टर विच इज गिवन, ओके इनडायरेक्टली आपको इनडायरेक्टली दिया गया है कि इसका ये फैक्टर है। पूछिए अब जब आपको मालूम चल गया कि अब जब आपको मालूम चल गया x माइनस वन ओके इज़ अ फैक्टर, तो आप x माइनस वन से x क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस x प्लस थ्री को आप जब डिवाइड करोगे, एंड ये जो डिवीजन है आपको क्लास नाइन्थ में ही ऑलरेडी बताया गया, ओके यू नो दैट द डिवीजन हाउ वी हैव टू डू। हमको क्या करना रहता है, पहले हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में, डिग्री के डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं दोनों, डिविडेंड और डिवाइजर दोनों को। ये सब क्लास नाइन्थ की चीज़ें हैं, ओके मैं बताना नहीं चाहता हूँ, बट मैं आपको बताऊँगा ये डिवीजन, बट राइट नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग द ओवरव्यू ऑफ दिस डिवीजन एल्गोरिदम, सो आई विल एक्सप्लेन दिस डिवीजन आफ्टर वर्ड्स इन दिस वीडियो इट्सेल्फ। लेकिन मैं बता दूँ कि आपके पास जो क्वेश्चेंट आएगा अभी एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस, ओके सॉरी यहाँ पे माइनस होगा, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स एंड हियर यू विल गेट ओके माइनस हाउ मच थ्री, ओके क्लियरली यू नो दैट दिस यू विल गेट रिमाइंडर आपका जीरो हो जाएगा। इन दिस केस क्या हो जाएगा, रिमाइंडर आपके पास जीरो हो जाएगा, तो आपको ये क्वेश्चन के वैल्यू आएगा, जब क्वेश्चन का वैल्यू आएगा देन व्हाट यू कैन से नेक्स्ट, यू कुड गेट द, अब आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री आ गया है, क्या क्वेश्चन आ गया, और चूंकि आप इसमें एक्स माइनस वन से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको तो डिविडेंड आ जाएगा जो आपके पास पॉलिनोमियल पहले से था, बट क्या आप इसको फैक्टराइज नहीं करोगे, यू कैन फर्दर फैक्टराइज, ओके विच इज़ देयर इन द क्लास नाइन्थ अगेन। सो आप एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री को ये थ्री एक्स स्क्वायर लाने के लिए आप इसमें मल्टीप्लाई करते हो, इसको आप ब्रेक करते हो, इसको ब्रेक करते हो ना, तो ये माइनस थ्री एक्स प्लस एक्स हो जाएगा, ओके अब देखो माइनस थ्री एक्स प्लस एक्स माइनस थ्री एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस थ्री एक्स प्लस एक्स तो माइनस टू एक्स हो जाता है, एक्स माइनस थ्री कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे प्लस वन कॉमन कर लीजिए, एक्स माइनस थ्री हो गया, तो ये एक्स माइनस थ्री हो जाएगा और ये एक्स प्लस वन हो जाएगा, तो इन दोनों का तो ये हो गया मल्टीप्लीकेशन और ये वाला भी बाकी ही है, तो टोटल हो जाएगा एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन और ये हो जाएगा एक्स माइनस थ्री, तो ये हो जाएगा किसका, पूरे का फैक्टराइजेशन, ओके पूरा हमारे पास टर्म कितना था यहाँ पे, एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, ओके माइनस एक्स प्लस थ्री, दिस वॉज आवर ओके कंप्लीट पॉलिनोमियल, हमने उसको फैक्टराइज करके इतना कर दिया, तो यहाँ पे हमारे पास जीरो क्या क्या हो गया, एक्स इक्वल टू वन हो गया,
फिर x इक्वल टू माइनस वन हो गया, फिर x इक्वल टू थ्री हो गया। सो दीज आर द ओके थ्री जीरोस। हमारे पास इनिशियली क्या जीरोस, एक ही जीरो गिवन था, क्या x इक्वल टू वन, ये वाला हमारे पास, एक मिनट, वी वेयर गिवन ओके ओनली वन जीरोस एंड नाउ वी आर एबल टू कैलकुलेट और फाइंड आउट द अदर टू जीरोस। हमने फाइंड आउट कर दिया है, कैसे किया दैट आई विल सी। ओके सी हियर, हियर वी हैव अ पॉलिनोमियल एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस थ्री। ओके वन ऑफ इट जीरो, दे हैव गिवन यू वन। जब जीरो ही वन है, ओके जीरो दे रहे हैं कि वन, मतलब डेफिनेटली कोई एक ये जो होगा वो जीरो से होगा, तभी तो एक्स इक्वल टू वन। मतलब ये जो है वो एक फैक्टर है, किसका, दिस इज़ अ फैक्टर ऑफ योर पॉलिनोमियल गिवन एज देयर वाज इन क्लास नाइन्थ इट सेल्फ। ये क्लास नाइन्थ की ही मैटर है। ओके सो यू कैन से दैट एक्स माइनस वन इज़ अ फैक्टर। सो जब फैक्टर है देन दिस एक्स माइनस ओके वट एक्स माइनस वन कैन डिवाइड द पॉलिनोमियल विच यू हैव बीन गिवन। ओके माइनस एक्स और प्लस थ्री को आप ऐसे डिवाइड करोगे, तो जब डिवाइड करोगे तो ये आपको कोशेंट आएगा। जब ये कोशेंट आ जाएगा, आफ्टर गेटिंग दिस कोशेंट अगेन इन नाइन्थ क्लास यू हैव फर्दर स्टडीड दैट दिस यू कैन फैक्टराइज बाय यूजिंग द स्प्लिटिंग मेथड। सो दैट माइनस टू एक्स को मैंने स्प्लिट कर दिया है प्लस थ्री एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस एक्स के रूप में, एंड देन वी हैव टेकन द कॉमन एंड एक्स माइनस थ्री और एक्स प्लस वन को मैंने इसको फैक्टराइज कर दिया। तो पहले से हमारे पास एक एक्स माइनस वन था, अभी एक्स प्लस वन और एक्स माइनस थ्री हो गया। जब आप तीनों को जीरो से इक्वेट करोगे then only you will get x equal to 1, x equal to minus 1 and x equal to 3. So these are the three zeros. So चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके डोंट वरी, यू विल गेट द आइडिया अबाउट द डिवीज़न। सो अगर आपको x प्लस टू से ओके सपोज आपके पास कोई टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन है, ओके यू टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स ओके प्लस वन है, इसको आपको डिवाइड करना है x प्लस टू से। हम कंप्लीट प्रोसेस देखेंगे टुडे, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन। चलिए डिवाइड करते हैं। व्हाट आई हैव टू डू, फर्स्ट वी हैव टू रीअरेंज ओके दिस डिवाइजर एंड दिस डिविडेंड इन व्हाट, इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर डिग्रीज। एक है यहाँ पे इसका, अगर देखिए अगर ये टू है, मतलब ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, टू इंटू एक्स टू डी पावर ऑफ जीरो। तो मतलब डिग्री क्या है यहाँ पे, डिग्री क्या है, जीरो है। सो यहाँ पे डिग्री क्या है, वन है। सो वन फिर जीरो, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। सिमिलरली डिवाइजर में भी आप देख लो, सेम हियर इन डिवाइजर ऑल्सो, यहाँ पे टू है, यहाँ पे वन है, यहाँ पे जीरो है। सो ऑलरेडी दे आर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। आफ्टर वर्ड्स वॉट वी हैव टू डू, फर्स्ट टर्म ऑफ द डिवाइजर से हम फर्स्ट टर्म ऑफ द डिविडेंड में डिवाइड करते हैं। तो हम टू एक्स स्क्वायर बाई एक्स करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, टू एक्स आएगा। टू एक्स से हम पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे तो टू ओके एक्स स्क्वायर चले जाएगा यहाँ पे, और फिर हो जाएगा टू टू जब फोर ओके बिकम्स एक्स। नाउ वी हैव टू डू सब्ट्रैक्शन, तो ये हो जाएगा कैंसिल, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस एक्स, और ये हो जाएगा प्लस वन। ओके नेक्स्ट वी हैव टू डू माइनस वन से, देखिए ये एक्स है, ये एक्स है, तो क्या माइनस वन से आप अब ये हमारा न्यू क्या हो जाएगा, डिविडेंड। अगर इसमें फर्स्ट टर्म को हम इसके फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे, तो माइनस एक्स बाई एक्स डिवाइड करते हैं तो कितना आता है, माइनस वन। तो इसीलिए हमने वहाँ पे लिखा है नेक्स्ट टर्म ऑफ द कोशेंट व्हाट विल बी आवर नेक्स्ट टर्म, माइनस वन। तो माइनस वन से इस दोनों में पूरे डिवाइजर में मल्टीप्लाई करोगे, तो ये तो हो जाएगा माइनस वन, और ये हो जाएगा माइनस ऑफ टू। तो ये सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस हो जाएगा प्लस में, ये माइनस भी हो जाएगा प्लस में, तो ये कैंसिल हो जाएगा, और ये टू ओके टू वन कितना हो जाएगा आपके पास, थ्री। तो यहाँ अब हम स्टॉप कब करेंगे, जब रिमाइंडर का डिग्री ओके शुड बी लेस देन द रिमाइंडर डिग्री शुड बी लेस देन द डिवाइजर डिग्री। ओके तो यहाँ देखिए रिमाइंडर का डिग्री कितना है, जीरो है, थ्री है, मतलब जीरो है ना डिग्री, यहाँ पे वन है आ गया ना। देन वी विल स्टॉप द प्रोसेस ऑफ डिवीजन एंड वी विल कंसीडर दिस थ्री एज आवर द फाइनल रिमाइंडर। ओके दिस वी विल कंसीडर दिस थ्री एज आवर फाइनल व्हाट, फाइनल रिमाइंडर, एंड दिस वन विल कंसीडर द कंप्लीट कोशेंट।
सो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ आवर डिवीजन। तो हम इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, हम इसको क्या लिख सकते हैं, आई विल शो यू। हम इसको लिख सकते हैं कि डिविडेंड इक्वल टू, मतलब ये 2x² + 3x + 1 इज इक्वल टू डिवाइजर। व्हाट इज़ द डिवाइजर, x + 2 इंटू कोशेंट 2x - 1 + (3) है, दैट वी कैन राइट डाउन। ओके, व्हाट इज़ दैट, x + 2 2x - 1 + 3। सो ये फॉर्म में आप इसको लिख लेना, ओके, सो दैट आपको आंसर आ जाएगा। तो ये था हमारा अगला प्रॉब्लम डिवीजन वाला। चलिए हम लोग कुछ क्यूबिक पॉलिनोमियल में भी डिवाइड करते हैं। ओके, डिग्री 3 में डिवाइड करते हैं डिग्री 2 वाले से। सो लेट अस डू, वी हैव 1 + 2x + x² हम इसमें डिवाइड, किसमें डिवाइड करेंगे, 3x³ ओके प्लस x² और फिर किसमें, +2x + 5 में। तो हम देखिए, पहले आई टोल्ड यू कि पुट दिस डिवाइजर एंड डिविडेंड बोथ इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब डिग्रीज को अरेंज करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो ये हो गया हमारा, और ये तो पहले से ही डिसेंडिंग ऑर्डर में, डिग्री के डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले से ही है। सो दिस बिकम्स आवर स्टैंडर्ड फॉर्म। आई विल अरेंज दिस थिंग ओके फ्रॉम हियर एंड नेक्स्ट आई विल सेलेक्ट दिस थिंग ओके फ्रॉम हियर टू हियर। चलिए यहाँ हो गया। अब देखिए ये हमारे पास हो गया। अब हम इसका फर्स्ट टर्म से इसके फर्स्ट टर्म में हम डिवाइड करेंगे। तो हमको क्या करना है, पहले आई विल चेंज द कलर, आई विल डिवाइड। तो x² x और ये 3, तो हमारे पास 3x हो जाएगा फर्स्ट टर्म, और हम 3x से इस सब में मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे तो हो जाएगा 3x³, इस 3x से इसमें 3 × 2 = 6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा x² और इस ये हो जाएगा 3x। अब आप सब्ट्रैक्ट कर दो, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा -5x² और ये +2x - 3x, इट बिकम्स -x और ये आपका 5 नीचे आ जाएगा। दिस विल बिकम आवर न्यू डिविडेंड। अगेन -5x² में x² से आपको डिवाइड करना है, तो क्या आएगा, -5 से आप पूरे में मल्टीप्लाई करोगे। हियर यू विल गेट -5x² - 5+ becomes -5 × 2 = 10, मतलब 10x हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, सॉरी ये प्लस माइनस ये भी माइनस हो जाएगा, और ये है आपका पेन, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा 5। अब आप ये माइनस तो प्लस, ये माइनस तो ये भी प्लस, ये माइनस तो ये भी प्लस, तो ये हो जाएगा कैंसिल और ये हो जाएगा प्लस 9x प्लस में 9x और ये हो जाएगा +10। ओके, यहाँ पे इसका डिग्री क्या है, इसका डिग्री क्या है हमारे पास 1 है, इसका डिग्री क्या है हमारे पास, डिग्री क्या है 2 है। तो आ गया 1 < 2 आ गया, रिमाइंडर का डिग्री जो है वो डिवाइजर के डिग्री से छोटा हो गया। तो वी विल स्टॉप द प्रोसेस हियर इटसेल्फ एंड वी विल स्टॉप एंड वी विल कंसीडर व्हाट दिस इज आवर फाइनल, व्हाट फाइनल रिमाइंडर एंड दिस इज़ आवर कम्प्लीट कोशेंट। ओके, सो हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, डिविडेंड दैट इज 3x³ + 2 x² और ये है +2x + 5। डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर कितना है हमारे पास, x² + 2x + 1 डिवाइजर हो गया ये। कोशेंट कितना है हमारे पास, 3x - 5 और हमारे पास रिमाइंडर कितना है, रिमाइंडर है 9x + 10। तो ये हो गया हमारे पास, इस फॉर्म में हमने इसको अरेंज कर दिया। लेकिन अगर मैं जब आपसे बोलूं कि ये जब तो ये तो हो गया आपका फॉर्मेशन, आप इसको मल्टीप्लाई कर लेना, इसमें ऐड कर लेना, यू विल गेट दिस वैल्यू, आपको इतना डिविडेंड ज़रूर आएगा। Here if we take another question, what is that, find all the zeros, okay, all the zeros of polynomial 2x to the power of 4
माइनस थ्री एक्स क्यूब और क्या है माइनस थ्री एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर और देखिए प्लस सिक्स एक्स माइनस टू है। देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, डिग्री कितना है इसका, फोर है। इसका हमारे को क्या निकालना है, सभी जीरोस निकालना है। इफ़ यू नो दैट टू ऑफ इट्स जीरो, इफ यू नो दैट टू ऑफ इट्स ओके जीरोस आर रूट टू एंड माइनस रूट टू। सो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि रूट टू अगर जीरो है तो एक्स माइनस रूट टू विल बिकम वन फैक्टर, वैसे ही माइनस रूट टू एक जीरो है तो एक्स ओके प्लस रूट टू विल बिकम अनदर फैक्टर। एंड इफ़ दिस टू आर द फैक्टर दैट मीन्स एक्स माइनस रूट टू इंटू एक्स प्लस रूट टू मीन्स ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओके, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस टू, दिस विल बिकम अ फैक्टर ओके अ फैक्टर ऑफ व्हाट द गिवन पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स, व्हाट द गिवन पॉलिनोमियल, मैं यहाँ पे एक पेज ले लेता हूँ, आई विल राइट एक्स स्क्वायर माइनस टू ओके इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स। ठीक है, जब ये फैक्टर है दैट मीन्स व्हाट ओके दैट मीन्स दैट इज जब आप एक्स स्क्वायर माइनस टू से डिवाइड करोगे किस में, टू एक्स टू द पावर ऑफ फोर माइनस थ्री एक्स क्यूब ओके माइनस थ्री एक्स स्क्वायर ओके प्लस सिक्स एक्स माइनस टू में, तो आपको एक पहले अरेंजमेंट हो गया है, बिल्कुल सही है, डिसेंडिंग ऑर्डर के डिग्रीज में अरेंजमेंट है। तब देखिए एक्स स्क्वायर से आप इसमें डिवाइड करोगे तो आपको क्या आ जाएगा, ये टू एक्स टू द पावर ऑफ टू, तो यहाँ हो जाएगा टू एक्स टू द पावर ऑफ फोर, उससे इसमें मल्टीप्लाई होगा प्लस माइनस माइनस और टू टू जब फोर ओके एक्स स्क्वायर हो जाएगा आपके पास। तो आप ये चीज़ जो यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाला टर्म जो है वो एक्स स्क्वायर के पास ही लिखना ओके, एक्स स्क्वायर वाला टर्म जो है वो आप, चलिए मैं कलर ही चेंज कर देता हूँ और ये हो गया माइनस ओके टू एक्स स्क्वायर, टू एक्स स्क्वायर ही होगा ना क्या, टू टू जब फोर सॉरी ये फोर फोर हो जाएगा। अब आप इसको सब्ट्रैक्ट करो, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस थ्री एक्स क्यूब एज इट इज उतरेगा, ये प्लस माइनस मतलब ये हो जाएगा प्लस में क्या एक्स स्क्वायर, ये प्लस में सिक्स एक्स और ये माइनस टू, दिस विल बिकम आवर न्यू डिविडेंड। अब एक्स स्क्वायर से इसमें डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस थ्री एक्स, माइनस ऑफ थ्री एक्स से मल्टीप्लाई इसमें करो तो ये तो माइनस थ्री एक्स क्यूब हो गया। अब ये माइनस और ये माइनस प्लस थ्री टू जै सिक्स, ये प्लस सिक्स हो गया। अब देखिए माइनस सब्ट्रैक्ट करोगे माइनस प्लस में हो जाएगा, ये प्लस माइनस में हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा प्लस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस टू आपके पास आ गया। अब जब एक्स स्क्वायर माइनस टू आ गया तो आप किससे, ये प्लस वन से डिवाइड करोगे तो ये कंप्लीट कैंसिल हो जाएगा और ये हो गया आपका क्या ये हो गया आपका, एक मिनट मैं इसी पेज पे आपको क्लियरली समझाऊंगा, एक मिनट एक लाइन में यहाँ पे खींच देता हूँ। चलिए यहाँ से मैं कलर थोड़ा चेंज कर लूँगा सो दैट यू विल गेट क्लियरली। आवर कंप्लीट क्वेश्चन क्या है, टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस वन, इसको आप फैक्टराइज कर लेना, ये टू एक्स तो ये टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एक्स प्लस वन, ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस टू एक्स स्क्वायर और ये माइनस, तो ये हो जाएगा टू एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस वन और ये माइनस वन कॉमन कर लेना तो एक्स माइनस वन, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स माइनस वन और टू एक्स माइनस वन ओके। सो योर कम जैसा कि आपके पास ये पहले से था और ये दोनों अभी का है, तो मतलब एक्स स्क्वायर माइनस टू, चलिए मैं सॉरी नेक्स्ट पेज, ये आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस टू पहले से था, अभी दो फैक्टर क्या, एक्स माइनस वन ओके एक्स माइनस वन
और एक क्या फैक्टर आया है, 2x माइनस वन। तो इससे आपको आया था रूट टू और माइनस रूट टू, और इससे आपको आया ओके एक्स इक्वल टू वन, और इससे आया आपको एक्स इक्वल टू वन बाई टू। तो आपका कम पूरे जो रूट्स है रूट टू माइनस रूट टू वन और वन बाई टू। सो दीज आर योर फोर व्हाट जीरोस ऑफ गिवन पॉलीनोमियल। एक चीज़ आपने ऑब्जर्व किया यहाँ पे कि वो हमारा डिग्री क्या था, फोर था। आई टोल्ड यू डिग्री फोर वालों को एट मोस्ट कितने फोर जीरोस आएंगे, तो फोर जीरोस आए ही हैं यहाँ पे, रूट टू माइनस रूट टू वन, वन बाई टू। सो दिस इज़ द वे यू हैव टू डू द मैथमेटिक्स। अगेन आप प्लीज़ वीडियोस को आप एक बार अंडरस्टैंड करिए, मैं फिर से शुरू वाले पेज पे लेके जा रहा हूँ आपके पास। आई स्टार्टेड दिस टॉपिक बाय द डिवीजन एल्गोरिदम टॉपिक। इफ पी ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स आर एनी टू पॉलीनोमियल्स विद जी ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, देन वी कैन फाइंड सम पॉलीनोमियल्स क्यू ऑफ एक्स एंड आर ऑफ एक्स सच दैट हमारे पास पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स प्लस या आर एक्स एक्स। ये है आपका क्या डिवाइजर, ये है आपका क्वेश्चन, ये है क्या आपके रिमाइंडर। फिर हम अगले पेज में क्या पढ़े कि अगर हमारे पास ऐसा कोई एक पॉलीनोमियल दिया रहा है क्वेश्चन में, एक मिनट, ठीक है, अगर सपोज वी हैव बीन गिवन अ पॉलीनोमियल लाइक दिस एंड वी हैव टू कैलकुलेट द ओके एंड वन ऑफ इट्स जीरो, दे हैव गिवन वन, देन टू जीरो, अदर टू जीरोस वी हैव टू फाइंड आउट। कैसे, अगर वन दिया है तो एक्स माइनस वन इज़ अ फैक्टर, फिर जब फैक्टर ही हो गया तो उससे आप जब डिवाइड करोगे, क्लास नाइन्थ में जो डिवीजन पढ़े हो तो उससे आपको क्वेश्चन आ गया एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री। अब जब वो क्वेश्चन ही आ गया एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री, और तो आप इसको फैक्टराइज कर लेना, तो आपके पास कंप्लीट फैक्टर इतना हो जाएगा, एक्स माइनस वन तो पहले से था, इसको आप फैक्टराइज करोगे तो एक्स प्लस वन एक्स माइनस थ्री, तो आपके पास ये एक्स इक्वल टू वन, एक्स इक्वल टू माइनस वन, एक्स इक्वल टू थ्री, तीनों रूट्स आ गए। और अब आपके पास ये एक क्वेश्चन ही है, टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन में आपको डिवाइड करना है एक्स प्लस टू से। सिंपल सा हायर क्लास नाइन्थ की आपको ये सब चीज़ें हैं, ओके क्लास नाइन्थ में ये सब आपने पढ़ रखा है, फिर से वही चीज़ है, बट थोड़े डिग्री ज़्यादा वाले डिवीजन है, कुछ नहीं है अदर और कुछ भी नहीं। ये भी देखिए यहाँ पे ये रिमाइंडर आ गया, ये फाइनल रिमाइंडर आएगा, ये पूरा कंप्लीट क्वेश्चन आएगा, इस फॉर्म में लिख देना, वही है। हाँ, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा अलग था। इस क्वेश्चन में क्या था कि फाइंड ऑल द जीरोस, और एक्स पॉलीनोमियल ऑफ डिग्री फोर दिया है हमारे पास, ओके इफ़ यू नो द टू ऑफ इट्स जीरोस, ओके अगर ये रूट टू और माइनस रूट टू, तो जब रूट टू और माइनस रूट टू, तो मतलब एक हो गया आपका ये फैक्टर और ये फैक्टर, तो जब आप दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो वो भी तो फैक्टर होगा, जैसे कि दो फैक्टर, सपोज वहाँ पे 16 है, 16 के क्या क्या है, दो आठ दूनी का 16, या फिर दो चौके 2 4 8 2, मतलब 2 4 है ना। तो अब देखिए, जैसे कि अब मैंने दे दिया कि 2 और 4 आपको गिवेन है, अदर फैक्टर फाइंड आउट कर रहे हैं, तो दो से चार मल्टीप्लाई करोगे 8, तो हम लोग आप बोलोगे ना कि 8 इज ऑल्सो अ फैक्टर। सेम थिंग मैंने, अगर ये मतलब ये वाला एक फैक्टर है, ये फैक्टर, दोनों का मल्टीप्लीकेशन विल ऑल्सो बी अ फैक्टर, इजेंट इट। तो इसीलिए मैंने कहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस टू इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स, ओके। सो जब वो, एज यू नो दैट एक्स स्क्वायर माइनस टू इज अ फैक्टर, देन हम उससे डिवाइड कर देंगे, हम जब इससे डिवाइड करेंगे। नाउ यू कैन आस्क मी सर, जब आपने ये वाला ही समझ गया कि रूट टू है, तो आप इसे क्यों नहीं डिवाइड किया, अब रूट टू से आप कैसे डिवाइड करोगे, आप इसको बेटर है आप रूट टू में, मतलब एक इंटीजर में ऐसे कन्वर्ट कर लो, होल नंबर में कन्वर्ट कर लो, सो दैट आपका जो डिवीजन प्रोसेस होगा वो थोड़ा ईजी होगा। तो यही, इसीलिए मैंने उसको ऐसे किया, और ये सिंपल सा डिवीजन है। फिर हमारे पास ये आया, तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। सो चलिए, ये कॉन्सेप्ट्स के मामले में तो मैंने पूरे चैप्टर, आपका सेकंड चैप्टर भी एक्सप्लेन कर दिया हूँ, आप सेम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, सभी प्रॉब्लम्स बहुत ही इजी है। अगर आपको कुछ डाउट्स है तो आप मुझसे क्वेश्चन में, ऐसे वीडियोस बनाते रहूँगा, अगर कुछ डाउट्स है तो आप क्वेश्चंस को मुझे पिक लेके मुझे मैसेज करिए, आई विल सेंड यू द सॉल्यूशन। बट बिफोर दैट यू हैव टू सेंड योर ट्राई किया हुआ आपका पिक भेजना जरूरी है, सो दैट आई विल ओके अंडरस्टैंड आप कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हो। प्लीज़ गो थ्रू दिस
दिस इज़ योर क्लास 10th, आपको इस बार बोर्ड की एग्ज़ाम देना है, सो प्लीज़ बी सीरियस, इट्स नॉट ए जोक, इट्स कम्प्लीट, ओके अंडरस्टैंडिंग चैप्टर, थैंक यू सो मच।